50 खबरों के बाद अब बड़ी खबर पुणे से। पुणे में निर्माणाधीन इमारत के स्लैब गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा 14वीं मंजिल पर हुआ। उस वक्त 13 मजदूर वहां काम कर रहे थे। घायल लोगों को पास के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। निर्माणाधीन इमारत में यह हादसा हुआ 14वीं मंजिल पर। स्लैब गिरने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें 13 मजदूर जो वहां उस दौरान काम कर रहे थे उन्हें गंभीर रूप से चोट आई है और घायलों को नजदीक के ही प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, लेकिन 9 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। 9 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं घटनास्थल से, जो पहली तस्वीरें मिल रही हैं। हालांकि जो लोग घायल हैं उन्हें फौरन इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन बेहद दर्दनाक खबर, हादसा होने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। पुणे से यह खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हादसा हुआ। निर्माणाधीन इमारत थी, ये काम यहां पर चल ही रहा था। 14वीं मंजिल पर स्लैब गिरा, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। उस दौरान 13 मजदूर वहां पर काम भी कर रहे थे। 9 लोगों की इसमें जान चली गई है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज खेलकर इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। पंकज, कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हुई है, 9 लोगों की अभी तक इस हादसे में जान गई है, और घटनास्थल से क्या जानकारी मिल रही है अभी? कि ये जो इलाका है बानेर बालेवाड़ी इलाका, 14वीं 14 फ्लोर वाली मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, जहाँ का 14 मंजिल का स्लैब लगाना शुरू था और ऊपर के पर वर्कर के साथ कुछ बिल्डिंग के अधिकारी भी थे, ऐसा बताया जा रहा है। और 9 लोग ऊपर से स्लैब के साथ नीचे आकर गिरे और उस कारण उनकी मौत हुई है। साथ में कुछ लोग जो नीचे काम कर रहे थे वो भी इसमें जख्मी हुए हैं। लगभग 10 लोग जख्मी होने की बात सामने आ रही है। इन सभी लोगों को औंध इलाके का जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वहाँ पर इलाज के लिए या जो भी उनका इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो राहत कार्य है, वो जगह पर शुरू हो गया है। यहाँ पर जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं, पुलिस भी है। और जो प्राथमिक जानकारी ये आ रही है कि कुछ ऊपर से जो 14वीं मंजिल पर जो स्लैब डालना शुरू था उसमें कुछ खामियां हो गई हो सकती है, जिस कारण ये स्लैब नीचे गिर गया है। शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए।